अभी चर्चा अमील शमसी साहब से हो रही थी। अमील शमसी साहब, मैं थोड़ा बीच में आपको रोक रहा हूँ इसलिए कि दो गेस्ट और हैं और उनको भी दो दो सेकंड, दो दो मिनट उनकी भी बात सुन ली जाए। मैं आता हूँ, मैं आपकी तरफ आऊँगा फिर। अभी हमारे बीच एक वरिष्ठ पत्रकार हैं नवीन निगम जी, और इनके बड़े लंबे अनुभव हैं और बहुत ही मर्यादित व्यक्ति हैं। आचार संहिता पर कुछ खास तौर पर उनकी अपनी जानकारी भी है, तो मैं चाहता हूं कि नवीन जी आप कुछ इस बारे में कहें कि नेताओं की कोई बातचीत की मर्यादा होनी चाहिए कि नहीं। प्रभात जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत पुरानी ये तब की बात है जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता था और सपा और बसपा की सरकार बनी थी 93 में। उस समय सरकार सही चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। एक खबर छपी और जिस अखबार में वो खबर छपी वहाँ भी 3 दिन रुकी रही। उस पर ऊपर तो निर्णय लिए गए पहले कि ये खबर छापी जाए ना छापी जाए, क्योंकि बात ऐसी थी कि उसको छापने से पहले भी 10 बार संपादकों ने सोचा जी जी, क्योंकि वो किसी बड़े नेता के मुंह से कही गई, किसी बहुत बड़े व्यक्ति के लिए थी। मायावती के मुंह से कहा गया था महात्मा गांधी के लिए कि शैतान की औलाद, सब लोगों ने पढ़ा इस बात जी जी। लेकिन उस बात का असर क्या हुआ, उस बात को कहने का असर ये हुआ कि उसी दिन से जो कि मुलायम सिंह जी लोहिया जी के, और लोहिया जी महात्मा गांधी को मानते, सब लोग जानते हैं बात जी, और उस बात के बाद से ऐसा असर पड़ा कि सपा बसपा के संबंधों में खटास ही वहीं से शुरू हुई। ये आप सोचिए कि एक एक शब्द के कहने से, ये एक अच्छा अच्छा रेफरेंस सामने में आया, एक शब्द के कहने से क्या हुआ और वो आज तक रहा खटास। मुलायम सिंह जी लोहिया जी को मानते थे, लोहिया जी महात्मा गांधी को मानते थे, और ऐसा अटूट संबंध था कि उस बात पे जब बाद में मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह उस समय, और पत्रकारों ने घेरा, उस समय चैनल नहीं होते थे इस तरीके से, उस समय घेरा और पूछा तो मुलायम सिंह कुछ नहीं बोले, सरकार बचानी थी कुछ नहीं बोले, लेकिन बेहद उस पर उनको नाराजगी थी। तो ये एक शब्द की मर्यादा, और उस पर बाद में जिस अखबार में ये खबर छपी उसको लेकर के बाकी अखबारों और संपादकों में उसकी निंदा की गई कि इसको छापना ही नहीं चाहिए था जी, यहाँ तक मतलब बात हो गई। और मैं एक बात और कहूँगा कि आजकल ये जो सब कुछ हो रहा है, ये हर नेता अपनी मार्केटिंग कर रहा है। वो जानता है कि अगर मैं आज पीछे कर दिया गया, मैं भाजपा का मालिक कोई पदाधिकारी हूँ, तो मार्केटिंग करने में नवीन भाई अमर्यादित होने का कहाँ स्कोप है? नहीं, बहुत स्कोप है प्रभात जी। स्कोप ये कैसे है कि जैसे कि माली अभी मैं बोल दूं कि फलाने की गर्दन उतार लाओ तो ये है, किसी बात को बोल दिया। अब मैं महासचिव हूं किसी पार्टी का और मैंने बड़ी बात बोल दी कि राहुल गांधी जी के बारे में या मोदी के बारे में किसी बारे में बोल दी, अब मैं क्या है चर्चा का केंद्र बजाऊंगा। अगर उस दिन कोई बड़ी खबर नहीं है तो सारे चैनल मेरी तरफ ही मुड़ जाएंगे और मैं एक घंटे में भले ही बात है। नवीन जी, मैं बीच में थोड़ा चाह रहा हूं कि जो सपा के पुराने नेता और नई पार्टी के जनक शिवपाल जी की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नुमाइंदा यहाँ मौजूद हैं, उस्मान सिद्दीकी जी, तो आपने सुना, मुलायम सिंह के बारे में भी सुना और मायावती ने के बयान ने जिस तरह से तलखी पैदा की संबंधों में, ऐसे में आप इस नई पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस नई पार्टी के नेताओं से मर्यादित व्यवहार की क्या उम्मीद की जानी चाहिए, इसके बारे में आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए प्रभात जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो पार्टी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, और हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी इस तरह के किसी भी नेता के दिए गए विवादित बयान और इस तरह की अभद्र भाषा के इस्तेमाल की कड़ी तरह से निंदा करते हैं, और इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी भी नेता को नहीं करना चाहिए। राजनीति में एक शुचिता होती है, हम अगर शुरुआत करें आज़ादी के बाद से, तो इस शुचिता और सभ्यता का ख्याल रखते हुए सबसे बड़े जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके ज़माने में राम मनोहर लोहिया जी बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा राम मनोहर लोहिया जी का सम्मान किया और उन्हें संसद में भी उनको सम्मान देते रहे लगातार, और इस बात को कहते थे कि लोहिया जी हमें आपकी ज़रूरत है। उसके बाद देश की बड़ी एक लीडर रहीं इंदिरा गांधी जी, प्रधानमंत्री रहीं, उनके ज़माने में जयप्रकाश जी ने लगातार उनका विरोध किया, एक मूवमेंट खड़ा किया उन्होंने बिहार से उनके खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद इंदिरा गांधी जी ने लगातार जयप्रकाश जी को सम्मान दिया और राजनीति की जो शुचिता है और सभ्यता है उसका ख्याल रखा। इसके बाद आप राजीव गांधी जी पर आइए, राजीव गांधी जी के ज़माने में अटल बिहारी वाजपेयी बड़े नेता हुआ करते थे, जनसंघ से जुड़े थे, भाजपा के बड़े लीडर थे, लेकिन फिर भी राजीव गांधी जी ने उनका सम्मान रखा, उनको जो विदेश दौरे हुए के सरकारी नुमाइंदे के तौर पर उनको एक नहीं दो तीन बार अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा कि आप हमारी पार्टी की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से अच्छी बात देश की नुमाइंदे के तौर पर रख सकते हैं। नरसिम्हा राव ने रखा था, हाँ, यहाँ तक कि अटल जी को बीमारी हुई तो सरकार ने उनकी मदद करते हुए उनको बीमारी में इलाज करने के लिए उनकी मदद करी। अभी
यहाँ बात चल रही थी बीएसपी की, तो बीएसपी के जब उस ज़माने की 93 का इन्होंने जिक्र किया, हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार हैं नवीन जी, तो उन्हीं मायावती जी का भी आपने सुना होगा, यहाँ एक लखनऊ में ही एक आंदोलन हुआ था, एक बड़ा बसपा का कोई बड़ा कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था जयप्रकाश सिंह को। उन्होंने जयप्रकाश जी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बसपा में बहुत कम लोग बनाए जाते हैं, और जब उनको बनाया तो यानी एक बड़े लीडर के तौर पर उनको बीएसपी में, मायावती के करीबी थे वो, बहुत बेहद खास थे उस समय। लेकिन उन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में कुछ आपत्तिजनक भाषा कही, और ये अभी हाल ही की बात है, लगभग 2 से 3 महीने हुए हैं, तो उसके उसके बयान के 24 घंटे के अंदर मायावती जी ने उनको पार्टी से भी निकाल दिया, और उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो गई है कि वो बीएसपी में वापसी नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी पार्टी इस तरह के तमाम बयानों की निंदा करती है, और इस तरह की बयानबाजी किसी को भी नहीं करनी चाहिए, राजनीति में शुचिता का ख्याल रखना चाहिए। मैं लेकिन इसी के बारे में बात कहूँगा, आजम खान साहब की अभी बात चल रही थी प्रभात जी, आजम खान साहब के लेकर इनको जो मुद्दा है हुआ, अभी आपने मैंने आपका पैकेज देखा, तमाम आजम खान साहब का जिक्र था उसमें। अभी मेरे बीजेपी के भाई ने कहा कि वो सीबीआई जांच हुई, तो पहले तो शायद ये मुद्दे से भटक गए, वो सीबीआई जांच जो हुई वो घोटालों को और ज़मीनों के मामलों को लेकर हुई है, विवादित जो जितनी विवादित बातें कही गई वो किसी की भी तरफ से कही गई हों उनको लेकर कोई जांच नहीं हुई। वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष की जिनकी बात चल रही है, शिया वक्फ बोर्ड के वसीम रिजवी साहब, वो लगातार उलेमाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था है देश की, उस पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, वो भी अपने लेटर जारी लिखकर उनके बारे में तमाम विवादित बातें कह रहे हैं, उन्हें पाकिस्तानी एजेंट बना रहे हैं, उन्हें आतंकवादों की अड्डा बता रहे हैं। दारुलूम नदवाएं लखनऊ में है, हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा मरकज है, उसके बारे में उन्होंने कहा। अभी एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक थी इसी रविवार को, तो उसमें वसीम रिजवी साहब का बयान आया कि वहाँ आतंकवादियों की जमात इकट्ठी हुई है, जबकि उसमें देश के सबसे बड़े मौलाना मौलाना अरशद मदनी, मौलाना राबे हसन नदवी, तमाम ऐसे बड़े, ठीक है, मैं आपके आपके लेकिन पूरी कर लूँ, वसीम रिजवी साहब लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन इसी सरकार ने जिसने पूर्व मंत्री के खिलाफ एक नोटिस जारी किया है, मुकदमा लिखवाने की बात कही है, वो पहले अपने सरकार में। मैं उस्मान भाई थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, आज के आदेश भी वक्फ मंत्रालय दे चुका है। अमिल भाई एक सेकंड के लिए, एक बात और मैं कहूंगा आखिरी, कि अभी एडीआर ने, आपके पास फिर आएंगे। इस बीच में हम प्रदीप सिंह जी को सामने जरा लाना चाहते हैं, कि जैसे आजम खान का जो बयान आया, जो आपके रेफरेंस पर मैं अमिल भाई वो बात कह रहा हूं, कि जो आजम खान का जो भी विवादास्पद बयान था और जो शिकायत हुई उस पर कल मेरी मुलाकात आदरणीय मौलाना कल्बे जव्वाद साहब से हुई है, और उन्होंने कहा कि मैं इस मसले पर राज्यपाल से मिला और राज्यपाल से अपनी शिकायत की, और राज्यपाल ने वो शिकायत मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास भेज दी कि आप आवश्यक कार्रवाई करें, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारा एक सिंह साहब बैठे हैं यहाँ, सपा के प्रवक्ता हैं, यहाँ ये सवाल उठता है कि एक मुख्यमंत्री का भी एक दायित्व तो होता है कि वो अपने मंत्रियों को किस तरह से वो एक अनुशासन के दायरे में रखता है। इसमें क्या सिंह साहब आपको ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव आजम खान की वरिष्ठता को देखते हुए वो कुछ नहीं कह पाए और उनका अनुशासन फेल हो गया? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अखिलेश यादव जी को आप भी जानते हैं और करीबी से जानते हैं। मुझे लगता है अखिलेश यादव जी संस्कारों के मामले में और चाहे किसी को सम्मान देने के मामले में कभी भी पीछे नहीं रहे। हाँ, अगर इस तरह का बयान आया, इस तरह का जो बयान आया और इस तरह के बयान की शिकायत हुई, तो निश्चित रूप से उस पर कोई ना कोई कार्रवाई आगे की गई होगी। लेकिन अभी अभी हमारे साथी ने कहा, वसीम रिजवी साहब का बयान उठाया, मुझे लगता है कि इस तरह के बयान जो आज आ रहे हैं उस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और पिछले बयानों को खोद के निकाल रही है। ठीक है, आप उस पर कार्रवाई कीजिए, जो जो जांच के बाद जो आएगा उसको हम लोग जवाब देंगे। लेकिन आज जो आदमी खुलेआम बोल रहा है, नदवा को आतंकवाद का अड्डा बता रहा है, देवबंद को आतंकवाद का अड्डा बता रहा है, मुझे लगता है उसके खिलाफ ये सरकार क्यों नहीं सचेत होती है। हमारे अमील शमसी साहब भाई बैठे हैं, ये बता रहे हैं कि उसमें सीबीआई जांच हो गई है, आरटीआई आई, आरटीआई मुझे नहीं लगता कि इस तरह कोई जवाब देगा कि ऊपर से आदेश आया इस नाते हमने ये किया। मुझे लगता है कि जांच आप अपना जो है ये जानकारी दुरुस्त कीजिए, ऐसा कोई नहीं हुआ है। लेकिन आपके सामने वसीम रिजवी एक ऐसे तथ्य हैं जो लगातार आप लोगों को गाली दे रहे हैं, लेकिन कोई भी अमिल भाई आपकी कोई नहीं कार्रवाई दे रहा। देखिए, सबसे पहली बात, ये जिस मुद्दे पर हमारी आज की डिबेट है, जिस मुद्दे पर हम बात करने के लिए बैठे हैं, ये है आजम खान और उनकी अभद्र टिप्पणी। नहीं, सिर्फ आजम खान का नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता, बिल्कुल ये मुद्दा नहीं है, बिल्कुल ये, देखिए मैं आपको बताऊँ, जो भी मैं अपनी बात रख रहा हूँ, मेरी बात को क्या मुद्दे, मुझे मेरी बात, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपने जो मुझसे बात की, आप प्रोग्राम का विषय देखिए, प्रोग्राम का विषय देखिए, प्रोग्राम के बीच में जो चैट वर्ड चल रहा है, मैं आपको बात चल रही है, मैं एक बात कह रहा हूं, मैं इस बीच में एक बात, मैं अमिल भाई एक बात कह रहा हूं कि हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि यार हम लोग जिन मुद्दों पर, जिन भी मुद्दों पर हम लोग बातचीत करें,
तो हम लोग वो अंग्रेजी और चैनल की तरह नहीं, हम लोग आपस में झगड़े नहीं, आराम से तसल्ली से बात करें। देखिए अमिल भाई, ऐसा है ना कि आजम खान से बात शुरू हुई लेकिन बात व्यापक पैमाने पर गई। मैं बिल्कुल उस पे आ रहा हूँ जी। देखिए आजम खान ने जो बात कही उससे बात शुरू हुई, और अभी हमारे सपा के और हमारे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रवक्ता जो बैठे हुए उस्मान साहब, इन्हीं ने बात कही। मैं जितने भी, चाहे वसीम रिजवी हो या चाहे आजम खान हो या चाहे ऐसे कोई भी हो जिनको अपने पद और अपने मर्यादा, अपनी जो संवैधानिक पद है उसकी गरिमा का ख्याल नहीं है, मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूं। और मैं ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी संस्कारों की पार्टी है, वो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करती, ना ही एंटरटेन करती। लेकिन ये सवाल तो उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिर कार्रवाई क्या की? भारतीय जनता पार्टी अपनी जो उचित कार्रवाई है उस पर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले भी वसीम रिजवी के विरुद्ध जांच के आदेश जारी किए थे, सीबीआई जांच के आदेश किए। अभी रिसेंट आपने सुना होगा, जांच कर रही है, सुने मेरी बात सुन लीजिएगा, जांच कर रही है। साक्षी महाराज क्या कर रहे हैं? साक्षी महाराज भी तो लगातार बयान दे रहे हैं। साक्षी महाराज क्या बयान दे रहे हैं? साक्षी महाराज अगर बयान ये दे रहे हैं कि जो हमारे जो राम के साथ वो राम भक्त, जो राम के साथ नहीं वो रावण भक्त, तो इसमें क्या गलत है? जो राम का विरोधी है तो वो, इसका मतलब ये है कि वो, ये योगी जी का बयान है। अरे ये योगी जी का बयान है या भारतीय जनता पार्टी का बयान? नहीं दिया है साक्षी महाराज ने, तमाम बयान दिए हैं। साक्षी महाराज ने जो भी बयान दिए हैं, जो भी ऐसे बयान दिए हैं, क्या वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके दिए हैं? नहीं नहीं, सरकारी देखिए, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, भाई साहब, जो व्यक्ति भारत माता को डायन कह सकता है, हम उससे क्या उम्मीद रखें? जो 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 आदमी, जो मंत्री, जो मंत्री पद पे बैठ करके भारत माता को डायन कह सकता है, हम उससे उम्मीद क्या रखेंगे? जो खिलाफ लिखा हमारे मंत्री ने, अरे हमारे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री माननीय मोहसिन अल्लाह जी ने बाकायदा जांच किया। अरे क्यों नहीं कार्रवाई हुई? कार्रवाई होगी, कार्रवाई हो रही है। इतने दो साल हो गए, आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। भाई आपने तो 5 साल कार्रवाई नहीं करी, हमें आप ढाई साल से नहीं दे रहे। कहना चाह रहे हैं, उनकी 2 मिनट बात सुन लें। देखिए लगातार जो बहस हो रही है प्रभात जी, शायद मेरे सीनियर साथी लोग बैठे हैं बहस से भटक जाते हैं। मैं आपको सबसे पहले एडीआर की एक रिपोर्ट बताऊंगा। एडीआर ने अभी इसी साल 2018 मार्च में एक रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा है कि एडीआर की रिपोर्ट के अंदर 58 ऐसे माननीय निर्वाचित सदस्य जो कि या तो देश की संसद में बैठे हैं या विभिन्न राज्यसभा राज्यों की विधानसभाओं में बैठे हैं, उनमें से 58 लोगों ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में, चुनाव के में जो उन्होंने अपना एफिडेविट दाखिल किया है उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उन पर इस तरह के मामले चल रहे हैं। तो उन 58 में कौन लोग हैं? 37 भाजपा के हैं। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि 58 की जो रिपोर्ट आई है देश भर में, जो कि बयान तो तमाम विवादित दिए गए, तमाम इस तरह की आपत्तिजनक भाषा है नेताओं द्वारा की गई, लेकिन 58 तो जो उन्होंने एफिडेविट दिया है, हम राम भक्त है, ये लोग हैं विवादित। अच्छा उसके बाद सुनिए, हम राम के भक्त हैं, ये बयान विवादित है। हम राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण करेंगे, ये बयान विवादित है। जो बताते हैं हम हिंदू हक की बात कर रहे हैं तो ये बयान विवादित है। बताते हैं इसकी बात, इनके देश के, हमारे देश के प्रधानमंत्री, इनकी पार्टी के बड़े नेता, मेरा ही देश कह लीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो इनकी पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने एक बयान सबसे गलत दिया। हमारी पार्टी के इसी अल्पसंख्यक आयोग ने जो जिन्होंने नोटिस जारी किया आजम खान के मामले में, उसी अल्पसंख्यक आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, वो बयान अब नहीं दिया, 2016 में दे दिया था। उन्होंने कहा था कि कार के नीचे कुत्ते के पिल्ले आ जाते हैं और वो उसका भी दुख होता है, इतना विवादित बयान था। अल्पसंख्यक समुदाय, जिस समुदाय की बात चल रही है उस समुदाय के संबंधित वो बयान था। इन्होंने राम मंदिर की बात करी, आपकी सोच पर निर्भर करता है। इनके विधायक सुरेंद्र सिंह, आपकी सोच पर निर्भर, इनके विधायक सुरेंद्र सिंह हैं, बुलंदशहर में इतनी बड़ी घटना हुई अभी, वहां पुलिस के एक अधिकारी मारे गए, इनके सुरेंद्र सिंह इनके विधायक कह रहे हैं कि पुलिस की गोली से मरे हैं, वहां उन्होंने कोई गोली नहीं चलाई थी, और जिस सरकार को शहीद कर देना चाहिए। एसआईटी उसकी जांच कर रही है, इसमें राम मंदिर की जांच कर रही है मामले में, राम मंदिर का मुद्दा कहां आ गया? सुनिए उस्मान भाई, एक मिनट, उसी सुरेंद्र सिंह ने उन्नाव रेप मामले में भी बयान दिया। हम लोगों को लगता है कि हम लोग कहीं विषय से अलग अलग हो जाते हैं, यही बात कहने की कोशिश की थी। हम लोग जो है, जैसे मान लीजिए कि संसद में बहुत सारी बातें और बहुत सारी सूचनाएं दर्ज हैं इस बारे में कि किस तरह के सांसद आ रहे हैं और किस तरह से मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। वैकैया नायडू अभी कह चुके हैं हाल में ही। हाँ, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। जमीर साहब, कुछ आप कहना चाह रहे हैं इस मसले पर? देखिए ऐसा है कि अभी तक जो बातें आई हैं कि सीबीआई जांच, एसआईटी जांच, मोहसिन रजा ने एसआईटी जांच गठित की, बाद में पता चला कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो जांच भी, एसआईटी जांच भी खत्म हो गई और सीबीआई जांच भी ठंडे बस्ते में चली गई है। एसआईटी ख़त्म ये हुई कि जो वक्फ मिनिस्टर है उसने खुद अपना कब्रिस्तान बेचा है, उसने कब्रिस्तान का सौदा किया है, सारे पेपर्स मेरे पास हैं।
सारे पेपर्स मेरे पास हैं कि उन्होंने वक्फ आलिया बेगम जो है अभी तो हम लोग अभी हम लोग घोटालों पर घपलों घोटालों पर बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग केवल अपनी जो मर्यादा है व्यवहार की जो मर्यादा है उस पर बात कर रहे हैं। नवीन जी अब हमको लगता है कि बहस का एक पूर्णाहुति की तरफ चल रहा है और इसमें मैं चाहूँगा कि नवीन निगम कुछ आप अपनी तरफ से कहें। मैं ये कह रहा हूँ सर कि पहले हम लोग बहुत सारी बातें करते थे कि मंत्रालय बना तो कोई मंत्री बहुत अच्छा होता था, बहुत अच्छा काम करता था वो, तो उसकी बड़ी चर्चा होती थी। वो बेचारा बड़ी मेहनत करके 3 साल 2 साल 2.5 साल काम करके अपने प्रधानमंत्री का दिल जीतता था या मुख्यमंत्री का दिल जीतता था, और उसको कभी कभी हारने के बावजूद भी अगर मान लिया अगला इलेक्शन वो हार गया तब भी उसको मंत्री बनाया जाता था, क्योंकि वो बड़ा अच्छा काम करता था। आज हम इस सब बातों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज अगर भले केंद्र में कह लीजिए, मेरा अपना मानना है कि केंद्र में अगर देख लीजिए सारे मंत्रियों को, तो सिर्फ सड़क के मंत्री जो हैं गडकरी जी, वो ठीक काम किए हैं ये माना जा रहा है, लेकिन उनकी चर्चा हम नहीं करते। आप एक बयान दे दीजिए बढ़िया सा, कोई भी विवादित बयान दे दीजिए, आपको तुरंत ही हाथों हाथ उठाया जाएगा। इस वजह से सारी मार्केटिंग जो अपनी इंडिविजुअल मार्केटिंग चल रही है, इसकी वजह से सारा गेम हो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं नेता मार्केटिंग कर रहे हैं। प्रभात रंजन दीन जी हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर है, लास्ट जानना चाहेंगे आप कि नेताओं का कैसा होना चाहिए। नहीं मैं ये बात समझ गया। मैं जल्दी जल्दी मैं ये एक बात कह दूं कि ये हमारा देश है और ये इसी देश में विदुर नीति, चाणक्य नीति और तमाम तरह की आचार संहिताओं पर हम लोग शास्त्रों में और हमारे पुरखे और पूर्वज बात करते रहे हैं और हम लोगों को ये समझना चाहिए। और हम लोग अभी राजनीतिक दल के प्रवक्ताओं के साथ हैं जो ये संदेश बाहर ले जाएंगे कि राजनीतिक हस्तियों को, राजनीति में आने वाले लोगों को किस तरह से एक आदर्श मर्यादा और आदर्श व्यवहार का एक प्रमाण देना चाहिए, अपना उदाहरण पेश करना चाहिए। तो आपको बता दें कि आदर्श अल्पकालिक नहीं होते हैं, आचरण आदर्श घर से मिलता है और हमेशा अपने आचरण और आदर्श को बनाकर चले। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और युद्ध घोष में फिलहाल इतना है, फिर जल्द मिलेंगे आपसे।